सिटीजनशिप बिल के विरोध को बीजेपी ने राजनीतिक बताया है। बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक पर राजनीतिक दलों के विरोध को बीजेपी ने सियासी करार दिया। धार्मिक आधार पर शरणार्थियों को नागरिकता दिए जाने वाले बिल का नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में विरोध हो रहा है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 में बेस ईयर को 1971 से बढ़ाकर 2014 किया गया। राम माधव का कहना है कि सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कुछ पार्टियां इस विधेयक का विरोध कर रही हैं। पूर्वोत्तर के कुछ लोगों को डर है कि उनके राज्य में बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदुओं और बौद्ध चमकाओं को नागरिकता मिल जाएगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। नागरिकता संशोधन विधेयक पर असम और पूर्वोत्तर राज्यों में राजनीतिक पार्टियों के विरोध को बीजेपी के महासचिव राम माधव ने सियासी करार दिया है। राम माधव का कहना है कि सिर्फ सियासी फायदे के लिए कुछ पार्टियां नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 का विरोध कर रही हैं। राम माधव ने साफ किया कि असम अकॉर्ड के क्लॉज 6 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। जो विरोध हो रहा है सीएबी का, उसमें कुछ लोग जेन्युइन कंसर्न के कारण विरोध कर रहे हैं, उनके प्रति हमारा सम्मान है। पर कुछ लोग केवल पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के चलते, राजनीतिक स्वार्थ के चलते या इस राज्य में शांति को भंग करने के लिए उल्फा जैसे संगठन उसका विरोध में यहां राज्य में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।